हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर सेवन सिक्स टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या लोगों से आपको चुनौती मिलती है, चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और किस तरीके से आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, बताइए क्या लोगों से उनको कोई चुनौती मिलती है। मिस्टरिज्म, बिटर स्वीट, फसाद, आपको पता है जॉय, चुनौतियों के बारे में, परसेप्शन, एनलाइटमेंट, बहुत कुछ पता है आपको, इम्पार्शलिटी, डिस्कवरी, मिरेकल, परफेक्शन, सोलमेट, बैलेंस। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास कार्ड आया है इम्पास। तो यस, यहाँ जो साइन आया है फर्स्ट वो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 60% है। कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो नॉर्मली यहाँ 30% है। एरिस लियो सेजिटेरियस बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी 100% एंड लास्ट है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। परफेक्शन, जॉय एंड बिटर स्वीट, मिरेकल, एनलाइटमेंट, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो 80% है, अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ लोगों से आपको कोई चुनौती मिल रही है इस बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि यस, आपको चुनौतियों के बारे में पता है, लोगों से आपको चुनौती मिलती है ये बात भी आपको पता है। कहीं ना कहीं आप अपने आप में गुड रहने वाले पर्सन हो, यानी अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखने वाले रहस्यमयी पर्सन हो, और ये बात लोगों को अच्छे तरीके से पता है, इतना जान लो। इस वजह से लोगों को आपसे यही चुनौती मिलती है कि लोग कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, क्योंकि जहाँ मैंने आपको लिए कहा कि आपको ज़्यादा दूसरों में पढ़ना नहीं चाहते या लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहते हैं, लोगों के साथ आप इतना ज़्यादा खुलकर ओपन माइंडेड तरीके से रहना नहीं चाहते हैं, ये आपके स्वभाव में ही है, स्वाभाविकता में ही है। आपको किसी के घर जाना नहीं है और किसी को अपने घर लाना नहीं है। एक आप रूढ़िचुस्त हो ऐसा नहीं है, या कंजर्वेटिव ऐसा भी नहीं। आप अपने तरीके से एक प्रोटेक्शन रखने वाले पर्सन हो, यानी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए क्या करना है और क्या सही करना है और क्या नहीं करना है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से ज़्यादा मिलजुल कर रखना या दूसरों के साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट रखना और दूसरों के साथ दूसरों के घर आना जाना, ये सब कुछ आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इस तरीके का आपका स्वभाव है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा उससे यही सीखा कि जितना हम कम लोगों से मिलेंगे या जुड़ेंगे उससे ही कम समस्याएं होगी, इस तरीके का आपका मानना है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में अपनी एक लिमिट रखते हो। किसी के भी साथ एक बातचीत करते हो तो आपको कुछ ज़रूरी काम हो या फिर उनको अच्छे तरीके से, हल्के तरीके से एक रिस्पेक्ट देनी हो, तभी आप जाते हो, वरना आपको
बहुत ज़्यादा सामने वाले पर्सन की गहराई से बातें करना या उनके साथ मिलजुल जाना या उनके साथ एक रिश्ता बना देना, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है, वो यहाँ नज़र आता है, जिसकी वजह से लोगों से आपको कहीं ना कहीं चुनौतियाँ मिलती हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। फर्स्ट कार्ड ही कहता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपको वो जान ही नहीं पाए हैं, पहचान ही नहीं पाए हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो। आप कभी कुछ और होते हो, कभी कुछ और होते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी कभी आप इतने ज़्यादा चुलबुले, इतने ज़्यादा मजाकिया बन जाते हो कि आपके साथ लोगों को हंसने में मज़ा आता है, आपके साथ एक चुटकुले करने में भी मज़ा आता है, इतने ज़्यादा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है, अच्छा है, और कभी कभी आप इतने ज़्यादा एक गंभीर पर्सन दिखाई देते हो कि आपके साथ एक अच्छे टॉपिक की या किसी भी तरह के टॉपिक की बातचीत की जाए या नहीं की जाए, वो सामने वाला पर्सन सोचता है, ये ज़रूर है। वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुलकर अपने आप को नज़र एक दिखाते हो, यानी अपने आप की रजूआत इतनी अच्छी होती है आपकी कि सामने वाला पर्सन चौंक जाता है, देखता रह जाता है कि आपने किस तरीके से इतनी अच्छी बात बता दी या बोल दी। इस तरीके से लोग आपको देखने लगते हैं, वाकई में आप कभी कभी कमाल कर जाते हो, इस तरीके से लोगों को लगता है। तो लोगों को ये भी आपसे है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान बन जाते हो, कभी कभी उनको लगता है कि हम एक अच्छे पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा आपको लेकर लोगों को लगता है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये पार्शलिटी कर रहा है या इसके साथ बातचीत कर रहा, हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहा है, इस तरीके का बिहेवियर भी लोगों को कभी ना कभी लगता है, क्योंकि आपका मन हो तभी आप बातचीत करते हो वरना नहीं करते हो, जो मैंने कहा कि आपकी स्वाभाविकता में ही है, आप बचपन से ही आप इस तरीके के वातावरण में, इस तरीके के माहौल में बड़े हुए हो कि आपका इस तरीके का ही नेचर बन चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा किसी के साथ हो जुड़ना और उनके साथ अटैच हो जाना ये आपके अंदर कहीं ना कहीं नहीं है। आपका जब मन करता है तब सामने वाले पर्सन से बातचीत करते हो वरना नहीं करते हो, इस तरीके से है। आपका मन होना चाहिए तभी आप करते हो वरना नहीं करते हो, इस तरीके से है। इस वजह से लोग कहीं ना कहीं आपको नहीं ही समझ पाते हैं, इस वजह से लोगों से आपको बहुत सारी चुनौतियाँ मिलती है, जैसे कि कभी कभी लोग आपको बारे में ये सोचने लगते हैं कि आप भेदभाव कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा भी उनको लगता है, कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश भी कभी कभी करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ही फनी इंसान यानी एक बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान बन जाते हो, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही स्वीट और दयालु किस्म के इंसान बन जाते हो, ये भी यहाँ नज़र आता है, और कभी कभी आप सच में मैंने कहा जो कमाल कर देते हो, एक मिरिकल कर देते हो, सामने वाले पर्सन के जीवन में एक उजास और प्रकाश फैला देते हो, इस तरीके का भी आपका स्वभाव है, और कहीं ना कहीं आपके नज़दीकी लोगों ने ये सब कुछ देखा है। तो लोगों से आपको हमेशा कुछ ना कुछ चुनौती मिलती ही रही है, यही चुनौती मिलती है कि सामने वाला पर्सन कहीं से भी आपको समझने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है। तो लोग आपके बारे में बहुत सारी सोच रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों को यही लगता है कि आप अपने आप में काबिलियत रखने वाले इंसान हो, लेकिन हमारे लिए एक नहीं समझ सकते हो, इस तरीके से वो देखते हैं। तो इस वजह से बार बार आपको कोशिश करनी पड़ती है लोगों के साथ अच्छा रखने में, क्योंकि आपके स्वभाव में ही है कि आपको इतना ज़्यादा मिलजुल पसंद नहीं है, इस वजह से बार बार लोगों से आपको चुनौती मिलती है कि मुझे इसके साथ किस तरीके से रहना है, मुझे इसके साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, ये आपके दिलो दिमाग में चलता है। तो आपके लिए चुनौती ये है कि आप सामने वाले पर्सन से आपने 10 बार, 15 बार या
हर रोज़ बातचीत की हो, फिर भी आपको उसको आपको समझने में वक्त लगता है। सामने वाला पर्सन आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता है, ये ज़रूर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बार बार चुनौती देनी पड़ती, चुनौती मिलती है, जिसकी वजह से आपको बार बार साबित करना पड़ता है कि आप इस तरीके से हो, आप इस तरीके से हो। क्योंकि जो मैंने कहा, आपका मन हो तो आप थोड़ी मजाक भी कर लेते हो, आपको मन हो तो आप कभी कभी अपनी एक विशिष्टता भी दिखाते हो, या अपनी एक बहुत ही अच्छा हुनर या टैलेंट दिखाते हो, या अपने तरीके से कुछ अच्छी बातें बोल जाते हो, इस तरीके का आपका नेचर है। और कभी कभी आपको लगे कि मुझे यहाँ चुप ही रहना है, मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, तो आप चुप रहते हो, इस तरीके से है। इस वजह से लोग आपको कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं, आपको रहस्यमय इंसान मानते हैं, आपको एक खुशहाल रहने वाला पर्सन भी मानते हैं, आपके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है ऐसा भी लोग मानते हैं। और कहीं ना कहीं आपके साथ एक दोस्ती की जा सकती है, आपके साथ फ्रेंडशिप आगे बढ़ा जा सकती है, इस तरीके से भी लोग सोचते हैं। और आप अपने आप में बैलेंस इंसान हो, आपको बहुत कुछ ज़्यादा ज्ञान है, तो हर एक लोग की यानी हर एक पर्सन की आपको लेकर सोच कहीं ना कहीं अलग है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। हर एक पर्सन आपको लेकर कुछ अलग ढंग से, अलग तरीके से सोचता है, जिसके साथ आपने बहुत ही एक चुटकुले किए हैं, मजाक किया है उनके साथ, अपने एक मजाक या अपनी एक स्वाभाविकता दिखाई है, चुलबुली पर्सनालिटी दिखाई है, तो उनको वो आप ऐसे ही पसंद हो, फिर आप गंभीर हो जाओगे तो उनको नहीं पसंद आएगा, इस तरीके से है। और जिन लोगों के साथ आपने बहुत ही व्यवस्थित और अच्छी बातचीत की है, बहुत ही ज्ञान भरी बातचीत की है, तो फिर वो यही आपसे सुनना पसंद करेगी, इतना ज़रूर है। तो सामने वाले पर्सन ने जिस तरीके से आपको अपने तोल माप में यानी एक मूल्य में, एक अपने तरीके से व्यक्तित्व में देखा है, उस तरीके से ही वो आपको देखना पसंद करता है, ये ज़रूर है। और क्या है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ कहना पड़ता होगा। जो मैंने कहा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी 80% है, 3 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब होता है 7 ऑफ सॉर्ड्स। जो मैंने कहा वही आ रहा है फिर से, कि आप भरोसेमंद इंसान नहीं हो। नाइट ऑफ सॉर्ड, कभी कभी आप बदल जाते हो ऐसा लोगों को लगता है। पेज ऑफ कप, फीलिंग्स समझते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हो, लेकिन जहाँ एक सपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ आप ठहरना पसंद नहीं करते हो, ये भी है। एंड लास्ट कार्ड है डेविल, यूनिवर्स लास्ट में डेविल क्यों है, 2 ऑफ सॉर्ड, ओके, वेरीफाई, टेम्परेंस। बॉटम द डेक हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो डेफिनेटली यहाँ लोगों से आपको यही चुनौती मिलती है, क्योंकि वो लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है आप इमोशंस नहीं समझते हो, इस वजह से आपको बार बार कहीं ना कहीं इस चुनौती का पार करना पड़ता है, सामने वाले इंसान को भरोसा दिलाना पड़ता है, ये आपकी फर्स्ट चुनौती है। आपके लिए ये भी चुनौती है कि आपको बार बार लोगों से भरोसा जीतने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। आपको अपने तरीके से लोगों के साथ अच्छा रहने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, वो आपकी चुनौती है। क्योंकि कहीं हद तक जो मैंने कहा कि लोग आपको नहीं समझ पाते हैं कि आपका एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व क्या है, आप अंदरूनी तौर पे भी अलग हो, बाहरी तौर पर भी अलग हो, ऐसा कहीं ना कहीं लोगों को लगता है। हमेशा लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं कि आप अलग हो, यानी एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी हो,
आपके अंदर एक हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखने का नज़रिया है, वो लोग ज़रूर देखते हैं। इस वजह से आप सभी सब कुछ में कमाल कर जाते हो और अच्छा कर जाते हो। एक्सट्रीमली अवेयरनेस नज़र आती है आपकी। यस, ये वर्ड्स आपके लिए बेस्ट है। इस वजह से लोग कहीं ना कहीं आपको किस तरीके का आपका स्ट्रांग व्यक्तित्व है वो नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उम्मीद रखते हैं और ये उम्मीद आपकी चुनौती बन जाती है। ये ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय।